फिर से निकल पड़ा हूँ और एक सफर पर, देखने ट्रेन से भारत का कोना कोना। सोचा अकेले क्यों जाऊँ, संग ले चलता हूँ आपको भी। तो आइए साहब, करते हैं इस ट्रेन यात्रा को और ज़्यादा बेहतरीन और आनंद लेते हैं इस ट्रेन जर्नी का साथ मिलकर इंडियन रेलवेज के साथ। हे नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं फिर से इतवारी जंक्शन रेलवे स्टेशन में खड़ा हूं एक नई ट्रेन यात्रा लेकर आपके लिए। तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये ट्रेन जर्नी पूरे एंड तक देखिए। और आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 08119 इतवारी छिंदवाड़ा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन में। सारी इंफॉर्मेशन ट्रेन की, रूट की, मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जहां कहीं पर भी हो सब भूल जाइए और मेरे साथ वर्चुअली ट्रेन जर्नी कीजिए, इंडियन रेलवे को एक्सप्लोर कीजिए। दोस्तों, जो रूट है इतवारी छिंदवाड़ा का, ये 2015 तक नैरोगेज ट्रेन यहाँ पे चला करती थी। फिलहाल 2015 के बाद इसे बंद कर दिया गया गेज कन्वर्जन के लिए। फिर ब्रॉड गेज बनकर तैयार हुआ 2021 में, तब से ये ट्रेन चल रही है। मैं सब आपके ट्रेन के बारे में बताता हूँ फिलहाल। और बीच में हमें घाट सेक्शन में पड़ने वाला है, उसका भी हम इंजॉयमेंट करेंगे। बस आप एंड तक हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में। शिवनी डिस्ट्रिक्ट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उमरनाला पहुंच गए। उमरनाला के मंगोड़े काफी फेमस है, यहाँ के मंगोड़े में रेलवे स्टेशन आता है और एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो मैं आपको, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम चेक कर लेते हैं। तो पानी आ रहा है टैप में और यहाँ पे सोप वगैरह तो नहीं है क्योंकि एक पैसेंजर ट्रेन है, तो इससे उम्मीद भी नहीं कर सकते हम लोग कि सोप वगैरह कुछ होगा। तो एक बेसिन है और बेसिन को थोड़ा सा खराब कर दिया गया है। और वॉशरूम में तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ इसके, क्योंकि एक पैसेंजर ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन के वॉशरूम कैसे रहते हैं मैं अच्छी तरह कैसे जानता हूँ। और ये दिखा दिया, ये लाइट्स लगे हुई है। और इसकी सीट की बात करें दोस्तों हम लोग, तो सीट कुछ इस प्रकार है। ये और आपको सीट यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर 4x4 की सीट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इसकी इंटीरियर कुछ इस प्रकार की है और इसी में आज हम ट्रेन यात्रा ट्रेन जर्नी करने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों, निर्धारित समय से 7:45 से हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है इतवारी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो लो साहब, हमारी और एक नई यात्रा की शुभारंभ करते हुए हमारी शुरुआत हो चुकी है। हम उस पेंच के जंगलों में से गुजरेंगे जहाँ से प्रसिद्ध कहानी द जंगल बुक का नायक मोगली का ओरिजिन हुआ था। और हम पहुँच जाएंगे छिंदवाड़ा, जहाँ पर कई रहस्यमयी जगह है, उनमें से एक पातालकोट भी है, बहुत रहस्यमयी जगह है, उसे रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आज हम जान लेते हैं इस ट्रेन के बारे में। ट्रेन नंबर है 08119 इतवारी छिंदवाड़ा पैसेंजर स्पेशल। दोस्तों, जितने भी लोकल और पैसेंजर ट्रेन हैं अभी भी उसे स्पेशल के तौर पर चलाया जा रहा है। खैर, ये ट्रेन इतवारी जंक्शन से सुबह 7:45 से रवाना होती है और सुबह 11:55 पर ये छिंदवाड़ा पहुंचाती है। लगभग 4 घंटे 10 मिनट का समय लगाती है ये ट्रेन 147 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। और ये रोजाना चलने वाली पैसेंजर ट्रेन है और इसकी एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर/आवर रहती है। दोस्तों, देखकर अचंभित हुआ कि हमारे ट्रेन को WAG-9 लोकोमोटिव लीड कर रहा है। वैसे इस रूट पर इस ट्रेनों को WAG-9 लोकोमोटिव ही लीड करता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इतवारी जंक्शन के बारे में पहले भी बहुत बार बताया है, लेकिन अभी बता देता हूँ कि इतवारी को जंक्शन क्यों कहा जाता है। नागपुर में नागपुर जंक्शन के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है इतवारी जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से ये तो हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन पर स्थित है और यहाँ से एक लाइन छिंदवाड़ा की ओर भी जाती है, जहाँ से आज हम चल रहे हैं। और दूसरी लाइन यहाँ से, मतलब तीसरी लाइन यहाँ से जाएगी और आने वाले समय में नागभीड़ की तरफ, इस बारी से नागभीड़ की तरफ। तो इतवारी नागभीड़ रूट अभी गेट कन्वर्जन का काम चल रहा है, चलने के बाद उस रूट पर भी हमें ट्रेन दौड़ती हुई देखेंगी जल्द ही। दोस्तों, आप ये जो लाइन देख रहे हैं जो हमसे अलग हो रही है और सीधी जा रही है, वो है हावड़ा मुंबई मेन लाइन।
वो आगे चलकर गोंदिया रायपुर बिलासपुर होते हुए हावड़ा की तरफ बढ़ जाती है और हम अभी बढ़ रहे हैं इतवारी छिंदवाड़ा ब्रांच लाइन की तरफ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस रूट पर पहले नैरोगेज ट्रेनें चला करती थी। 1904 से लेकर 2015 तक इस रूट पर नैरोगेज ट्रेनें चला करती थी। 2015 के बाद ब्रॉड कन्वर्जन के लिए इसे बंद कर दिया गया। 2020 में ब्रॉड गेज बनकर तैयार हो गया और इस रूट पर चाहिए थी एक ट्रेन जो कि नागपुर से छिंदवाड़ा तक जोड़ी जा सके। फिर इसके बाद 22 फरवरी 2021 को इस ट्रेन को इनॉग्रेट किया गया, तब से ये ट्रेन अभी सेवा में चल रही है। फिलहाल दोस्तों हमने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारा पहले हॉल्ट कोराड़ी पैसेंजर हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर हमने हॉल्ट ले लिया है। और कोराड़ी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ मात्र एक प्लेटफॉर्म ही है और आप हाइट देख सकते हैं प्लेटफॉर्म की कितनी ऊंचाई पर, इसलिए मैं नीचे नहीं उतरूँगा। और इसका स्टेशन कोड की बात करें तो KRDH इसका स्टेशन कोड है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन आता है। और मैं आपसे बात करते करते ही अपने वैग 9 ने हॉन्क दे दिया है और डिपार्चर हमारा हो गया है कोराड़ी रेलवे स्टेशन से। फिलहाल गाइज हमारा हो चुका है कोराड़ी से डिपार्चर। वैसे इस रूट पर इस ट्रेन के 25 छोटे छोटे हॉल्ट है, तो 25 हॉल्ट को कवर करना पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। जो मेन होते हैं उनको ही हम कवर करेंगे, लेकिन इस रूट पर हमारा ज़्यादा प्रायोरिटी आज रहेगा इस रूट का घाट सेक्शन, तो घाट सेक्शन को हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। जो ये आप थर्मल पावर स्टेशन देख पा रहे होंगे ये नागपुर के कोराड़ी में स्थित है और ये महाराष्ट्र के प्रमुख थर्मल पावर स्टेशनों में से एक है। फिलहाल दोस्तों ट्रेन के अंदर हमें चाय मिल चुकी है, चाय की जरूरत थी हमें वैसे सुबह सुबह। Thank you.
फिलहाल दोस्तों 38 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम हमारे 8वें हॉल्ट सावनेर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। सावनेर की बात करें तो सावनेर नागपुर डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट तालुका है, और स्टेशन की बात करें तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत यह रेलवे स्टेशन आता है। यहाँ पर 4 ट्रेनें हॉल्ट करती है, और प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म मौजूद है। फिलहाल दोस्तों हमने 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारे 9वें हॉल्ट केलौद रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। फिलहाल केलौद के बारे में बता दूं तो केलौद हमारा महाराष्ट्र के अंदर का लास्ट स्टेशन होने वाला है, इसके बाद हम मध्य प्रदेश में इंटर कर जाएंगे। तो लो जी, अभी हम पहुंच गए हैं लोधी खेड़ा रेलवे स्टेशन। वैसे अभी हम मध्य प्रदेश में हैं, और यहाँ तक हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 62 किलोमीटर का। लोधी खेड़ा के बारे में बता दूं तो यहाँ का स्टेशन कोड हो गया LDE। यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, और टोटल हॉल्टिंग ट्रेन यहाँ पे 4 करती है। जोन की तो आपको पता होगा SSCR में आता है, नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत में आता है दोस्तों। तो और दोस्तों हमारा इंतज़ार करते हुए लोधी खेड़ा रेलवे स्टेशन पर हमें मिल चुकी है ट्रेन नंबर 08266 छिंदवाड़ा इतवारी पैसेंजर स्पेशल। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि 4 कौन से ट्रेनें हैं जो कि यहाँ पे हॉल्ट करती है, मतलब इस रूट पर। पहले तो ये हो गई हमारी वाली ट्रेन, दूसरी जो अभी हमें क्रॉस कर रही है 08266, ये सुबह 7 बजे छिंदवाड़ा से रवाना होती है। और तीसरी ट्रेन की बात करें
तो 08120 ये भी छिंदवाड़ा से दोपहर के 12:40 से रवाना होती है। और चौथी की बात करें तो ये इतवारी से ऑरिजिनेट होती है 3:30 बजे, जिसका ट्रेन नंबर है 08265। तो ये चार ट्रेनें हॉल्ट करती हैं इन रेलवे स्टेशनों पर। वैसे दोस्तों ये पूरा सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन सेक्शन है, इसलिए हमें क्रॉस के लिए इसको यहाँ पर रुकना पड़ा। अभी ये इसका तो डिपार्चर हो चुका है, फिलहाल हम भी फटाफट यहाँ से डिपार्चर लेते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं सौंसर रेलवे स्टेशन, मतलब सौंसर बोले तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक तालुका है और ये जाना जाता है यहाँ के संतरा और कपास के उद्योग के लिए। आपको आपने नोटिस भी किया होगा दोस्तों कि इस एरिया में क्षेत्र में ज़्यादातर कपास की आपको फसल देखने को मिली है। कहने का मतलब ये है कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर उद्योग होता है कपास और संतरे का, वैसे बहुत कई होता है लेकिन फेमस यही है। और यह सौंसर छिंदवाड़ा जिले का एक औद्योगिक क्षेत्र है। तो गाइस 74 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम हमारे 14वें हॉल्ट सौंसर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। और यहाँ का स्टेशन कोड है SASR। यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म है, चार ट्रेनें हॉल्ट करती है, वही साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन और नागपुर डिवीजन में आता है। वैसे अभी सुबह के 9:40 हो चुके हैं। कन्हान नदी, कन्हान रिवर। Thank you.
मैं सोच रहा था घाट स्टेशन जल्द से जल्द आ जाए, उसी बीच हमारा स्टार्टर सिग्नल हो गया है खडेला हॉल्ट रेलवे स्टेशन से। तो गाइस, था इंतजार जिस स्टेशन का वह स्टेशन आ चुका है, जिसका नाम है भीमालगुंडी रेलवे स्टेशन। और यह वह रेलवे स्टेशन है जहाँ से हमारा घाट स्टेशन का सिलसिला शुरू होता है और ख़त्म होगा भंडारकुंड रेलवे स्टेशन पर। तो हो चुका है हमारा प्रस्थान भीमालगुंडी रेलवे स्टेशन से, और अभी बजे सुबह के 10:08। और भीमालगुंडी से लेकर भंडारकुंड तक टोटल डिस्टेंस 21-22 किलोमीटर का है लगभग। उसी बीच एक घाट स्टेशन घिरा हुआ है। तो चलो बात करते हैं इस घाट स्टेशन की भी छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं इस घाट स्टेशन का। दोस्तों, ये जो घाट सेक्शन है ये बेसिकली भंडारकुंड सेक्शन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आपने पेंच नेशनल पार्क के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर मौजूद है। ये काफी घना और बड़ा नेशनल पार्क है, जो मध्य प्रदेश की शिवनी डिस्ट्रिक्ट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में आता है, और उसी के छोर पर अभी हम चल रहे हैं। और ये पूरा एरिया ये पेंच के जंगलों से घिरा हुआ है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में मोगली के बारे में बताया था, जो मोगली का प्रादुर्भाव लिया गया है इसी पेंच के जंगलों में से लिया गया है। तो मैं आपको किस्सा शेयर करता हूँ। दोस्तों, लेखक रूडयार्ड किपलिंग की जो कहानियाँ है, जो जंगल बुक कहानी है, उसका नायक और जंगली लड़का मोगली, उसके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि उसका प्रादुर्भाव किन क्षेत्रों से लिया गया है? जो आपने जंगल देखा है उन कहानियों में, वह जंगल इसी क्षेत्र के जंगल है। देखिए, मध्य प्रदेश का शिवनी डिस्ट्रिक्ट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उन क्षेत्रों के जंगल, जिसे हम पेंच के जंगल कहते हैं, पेंच नेशनल पार्क कहते हैं आज। तो वह इसी जंगलों का जंगली लड़का है मोगली। तो दोस्तों, मुझे ये बात जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये बात पता थी कि नहीं पता थी कि मोगली का प्रादुर्भाव इसी पेंच के जंगलों में से लिया गया है, कि जो कि छिंदवाड़ा और शिवनी डिस्ट्रिक्ट को मिला के जो जंगली क्षेत्र बनता है, उसी के अंदर का एक जंगली लड़का है मोगली। तो दोस्तों, हमारा डिपार्चर हो चुका है कुकड़ा खापा रेलवे स्टेशन से। कई सारे लोग इसे कुकड़ा खापा भी कहते हैं और इसे कुकड़ी खापा भी कहते हैं। लगभग 102 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर चुके हैं। और कुकड़ी खापा एक पर्यटन स्थल है, जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 33 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है। और यहाँ पे है कुकड़ी खापा वाटरफॉल, जिसके कारण यह एक पर्यटन स्थल बन चुका है। कई सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, इस वाटरफॉल को देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये सिल्लेवानी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है।
और ये जो वाटरफॉल है ना, ये आप स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है, तो आप पैदल भी यहाँ पर जा सकते हैं। बस पास में आप किसी से रास्ता पूछ लीजिएगा तो आपको आसानी से रास्ता भी मिल जाएगा। और ये जो वाटरफॉल है, जो कुकड़ी खापा वाटरफॉल है, उसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट की है। और यही से जो हमारा मेन घाट सेक्शन है, जो गहरा घाट सेक्शन है, गहरा जंगल है, यही से स्टार्ट होता है। दोस्तों अभी विंटर का सीजन चालू है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सब सूखा सूखा पड़ा है, लेकिन क्या ही नज़ारा दिखता होगा यहाँ पर जब यहाँ पर मॉनसून का सीजन रहता होगा, और क्या ही व्यू दिखता होगा, पूरी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती होगी। दोस्तों जो हमारा बैक साइड वाला व्यू है, जो हमारे अपोजिट साइड का व्यू है, वो तो अभी हमने कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन हमने इसी ट्रेन में जो रिटर्न की जर्नी की थी, तब उस समय मैंने कुछ वीडियो की क्लिप्स निकाली थी, तो मैं उस वीडियो के एक दो क्लिप को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो आप उसे देखिए और बस इंजॉय कीजिए, इस ट्रेन जर्नी का आनंद लीजिए। Thank you.
भाई साहब, हमने हमारा घाट शिक्षण को ख़त्म करके पार करके हम अपने मंजिल की तरफ छिंदवाड़ा जंक्शन की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। उसी बीच हम पहुंच गए हैं अभी भंडार कुंड रेलवे स्टेशन पर, और इस स्टेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ का स्टेशन कोड हो गया BD KD। यहाँ पर टोटल दो प्लेटफॉर्म्स हैं, चार ट्रेनें हॉल्ट करती है, SECR जोन है और नागपुर डिवीज़न है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, यहाँ से एक ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और एक ट्रेन टर्मिनेट होती है। लेकिन ये जो ऑरिजिनेट और टर्मिनेट ट्रेन होती है, दोनों ही अलग अलग ट्रेनें हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेन नंबर 19343 पेंचवेली एक्सप्रेस, जो कि टर्मिनेट होती है भंडारकुंड रेलवे स्टेशन पर और ओरिजिनेट होती है छिंदवाड़ा जंक्शन से, और दूसरी ट्रेन होगी हमारी ट्रेन नंबर 09590 भंडारकुंड बैतूल स्पेशल फेयर एक्सप्रेस, जो कि ओरिजिनेट होती है भंडारकुंड से और टर्मिनेट होती है छिंदवाड़ा जंक्शन से। और हमने अभी तक टोटल डिस्टेंस 112 किलोमीटर का तय कर चुके हैं भंडारकुंड रेलवे स्टेशन तक। तो हो चुका है हमारा डिपार्चर भंडारकुंड रेलवे स्टेशन से भी, और हम और नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं हमारी मंजिल, जिसका नाम है छिंदवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो अभी ना हम लोग पहुंच गए हैं उमरनाला रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड हो गया ULA, और यहाँ पर टोटल दो प्लेटफॉर्म्स हैं। रोजाना 6 ट्रेनें यहाँ पर आके हॉल्ट करती है, और एक भाई साहब ने हमें बताया कि उमरनाला के मुंगोड़े काफ़ी फेमस और काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो हम भी निकल पड़े यहाँ के मुंगोड़े टेस्ट करने के लिए। तो चलिए करते हैं फटाफट से मुंगोड़े टेस्ट। तो दोस्तों, हम लोग उमरनाला पहुंच गए। उमरनाला के मंगोड़े काफ़ी फेमस है यहाँ के मंगोड़े, तो हम मंगोड़े ले लेते हैं यहाँ से। भैया कैसे दिए मंगोड़े? 10 रुपए के मंगोड़े हैं, हमेशा खाओगे, याद रखोगे जी। साल हो गए, पंडित जी से मिलकर के जाओ। पंडित जी के ऐसे मंगोड़े सारी दुनिया में नहीं। क्यों गुरु, एक दे दो ना, एक दे दो भैया को भी दो। हमने खरीद के ला लिए 10 रुपए के मंगोड़े, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, हमने मंगोड़े ला लिए थे 10 रुपए के उमरनाला से, काफी फेमस मंगोड़े है यहाँ के। हम लोग टेस्ट करके देखते हैं, सच में काफ़ी टेस्टी मंगोड़े हैं यहाँ के। अब अगर आप इस ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उमरनाला के मंगोड़े ज़रूर से ट्राई करिएगा, ये रिकमेंडेड है आपके लिए।
तो टेस्टी मुंगोड़े के साथ हमारा डिपार्चर हो चुका है उमरनाला रेलवे स्टेशन से। वैसे समय की बात करें तो अभी बजे है सुबह के 11:03। तो लिंगा रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है मेरे यारो। तो 134 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं लिंगा रेलवे स्टेशन। और लिंगा के बारे में बता दूं तो यहाँ पे भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, इसलिए इसे लिंगा भी कहा जाता है, मतलब स्टेशन गांव का नाम पड़ा लिंगा। तो दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम और नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं छिंदवाड़ा के। तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपने छिंदवाड़ा के बारे में भी। तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश राज्य के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है और यह सतपुड़ा रेंज के खुले पठार पर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बसा हुआ एक शहर है। और छिंदवाड़ा अपने वन और खनिज संपदा के लिए भी जाना जाता है। वैसे हमारे छिंदवाड़ा में कई सारे मेजर अट्रैक्शन मौजूद है, जैसे पातालकोट हो गया, देवगढ़ फोर्ट, कुकड़ी खापा वाटरफॉल्स, तामिया हिल्स, छोटा महादेव गुफाएं, ऐसे न जाने कितने सारे रहस्यमय जगह और मेजर अट्रैक्शन छिंदवाड़ा में मौजूद है। वैसे बात करें हमारे भारत देश में भी तो कई सारे रहस्यमय जगह है और हमारा भारत देश प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। और यहाँ पर निकटवर्ती पर्यटन स्थलों में से एक भरतदेव है, जहाँ 10,000 किलोग्राम वजन का एक पत्थर स्पष्ट रूप से एक ही पिन पॉइंट पर खड़ा हुआ है। वैसे तो बहुत सारे जगह है छिंदवाड़ा के बारे में बात करने के लिए, लेकिन वीडियो काफ़ी बन जाएंगी। और मुझे खास तौर पर एक बात यहाँ के अट्रैक्शन की तरफ ले खींची है, मुझे आकर्षित की है यहाँ का पातालकोट। तो पातालकोट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रहस्य और एडवेंचर संग प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है छिंदवाड़ा का यह पातालकोट। अगर आपको भी है घूमने का शौक तो यहाँ पर आइए पातालकोट में और आनंद लीजिए इन प्राकृतिक सौंदर्य का। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उस पातालकोट की जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने विश्व का सबसे अनोखा स्थान माना है। यही नहीं, भारत सरकार ने भी पातालकोट को एडवेंचर प्लेस ऑफ छिंदवाड़ा, एडवेंचर प्लेस ऑफ गोंडवाना का खिताब दिया है। पातालकोट छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील में स्थित एक घाटी है। लगभग शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर यह विशालकाय घाटी मौजूद है और ये पहाड़ी है जो कि पूरा जंगल से घिरा हुआ है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की गोद में बसा यह स्थान प्रकृति का अजूबा है। लगभग 3,000 फीट नीचे गहराई में 12 गांव बसे हुए हैं और कहा जाता है कि कुछ गांव में तो ये घने पत्तों की वजह से, घने जंगलों की वजह से सूरज की किरणों भी गांव पर नहीं पड़ती है, दिन में ही बदली जैसी छाया दिखाई देती है, छाव छाव ही रहती है।
पातालकोट में आपको हर जगह घने पत्ते देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यह जगह कई औषधीय जड़ी बूटियों, पौधों, जानवरों और पक्षियों का घर भी है। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए रावण का पुत्र मेघनाथ इसी स्थान पर आया था। इस बात का पता जब हनुमान जी को चला तो वह अपनी वानर सेना साथ वहाँ पहुँच गए थे और मेघनाथ की पूजा को भंग कर दिया था। और ऐसी भी मान्यता है कि अही रावण ने युद्ध के दौरान राम भगवान और लक्ष्मण भगवान का अपहरण कर लिया था और उन्हें इसी स्थान पर मौजूद एक गुफा के अंदर रखा गया था। हाँ, तो कहा था मैं पातालकोट। हाँ दोस्तों, इस पातालकोट में रहने वाले लोग गोंड और भारिया जनजाति के आदिवासी हैं। और दोस्तों, इस पातालकोट के गांव में सबसे ज़्यादा सम्मान वैद्य का होता है, जिसको भूमका कहते हैं यहाँ की भाषा में। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, और अगर पड़ भी जाते हैं तो वैद्य द्वारा उनका इलाज कर दिया जाता है। इसलिए क्योंकि न जाने कितने सारे औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ मौजूद है इस पातालकोट के जंगलों में। पातालकोट में आकर्षण का केंद्र यहाँ की जनजातीय जीवन शैली भी है। कई सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पातालकोट का आनंद लेने के लिए आते हैं। दोस्तों, ऐसे कई बातें हैं पातालकोट के बारे में जो कि हम पूरा नहीं बता सकते विस्तार से, क्योंकि वही बात है, वीडियो काफी लंबी बन जाएंगी। और दोस्तों, मैं भी कभी इस जगह पर जाऊंगा तो आपको संग लेकर जरूर जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि कभी ना कभी तो मैं इस जगह पर जाऊंगा, लेकिन कभी भी जाऊंगा तो मैं आपको संग लेकर जरूर जाऊंगा। तो हम भी इसका एक टूर करेंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे पातालकोट को। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं पातालकोट के बारे में। और अब रेलवे स्टेशन की बारी। दोस्तों, छिंदवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसकी शुरुआत 1904 में हुई थी और 1904 से लेकर 2015 तक यह सतपुड़ा रेलवे का हिस्सा था। सतपुड़ा रेलवे लाइन एक नैरो गेज लाइन हुआ करती थी, जो कि इस क्षेत्र में चला करती थी, जिसका केंद्र बिंदु नैनपुर जंक्शन हुआ करता था। हम बात करेंगे सतपुड़ा रेलवे के बारे में आने वाले वीडियो में, क्योंकि मैं इसी रूट पर सफ़र करने वाला हूँ, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको जरूर दूंगा। फिलहाल अभी हम जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारी छिंदवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में। वैसे छिंदवाड़ा जंक्शन को रिबिल्ड किया गया 2012 में और एक सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन सेक्शन है। स्टेशन कोड हो गया CWA और यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ से 6 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और यहाँ पे आके 6 ट्रेन टर्मिनेट होती है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीज़न में रेलवे स्टेशन आता है और एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो मैं आपको यहाँ पर लाइनें भी बता देता हूँ। सबसे पहले लाइन ये वाली होगी जहाँ से हम आ रहे हैं इतवारी की तरफ से। दूसरी लाइन यहाँ पर आके मिलती है नैनपुर की तरफ से, जो नैनपुर शिवनी वाला रूट है वहाँ से आती है। और ये जो दूसरी लाइन है ना, नैनपुर वाली लाइन, ये तो इलेक्ट्रिफाइड भी हो चुकी है, सब काम कंप्लीट हो चुका है गेज कन्वर्जन का। बस राह है तो इस रूट पर ट्रेनें चलने की, और संभावना है कि इस मार्च में, अप्रैल 2023 में इस रूट पर ट्रेनें चलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो दोनों लाइनें हैं वो आगे चलकर आमला जंक्शन की ओर बढ़ जाती है, इसलिए इसे जंक्शन भी कहा जाता है। दो लाइन यहाँ पे आके मिलती है, यही दो लाइन आगे चलकर आमला जंक्शन की ओर बढ़ जाती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी छिंदवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में। अभी हम फटाफट अराइवल ले लेते हैं छिंदवाड़ा जंक्शन पर, तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग हमारे गंतव्य स्थान छिंदवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और इस ट्रेन ने हमें बिफोर टाइम पहुंचाया है। अभी समय हुआ है सुबह के 11:40 और इसका समय है यहाँ पर पहुंचने का 11:55 पर। तो लगभग 15 मिनट से हम बिफोर पहुंच चुके हैं छिंदवाड़ा जंक्शन पर, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हम आगमन लेते हुए। और छिंदवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अभी 4 प्लेटफॉर्म यूज में है और 2 प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा।
अब यही ट्रेन 12:40 से रवाना होगी इतवारी के लिए छिंदवाड़ा इतवारी पैसेंजर स्पेशल बनकर। और आप ये जो ट्रेन देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होने के लिए तैयार है छिंदवाड़ा आमला मेमू स्पेशल ट्रेन। तो दोस्तों बस इतना ही था आज की हमारी जर्नी में। हमने टोटल फुल ट्रेन जर्नी की है इतवारी से छिंदवाड़ा तक। आपको ये ट्रेन जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे। दुख तो सबके जीवन में बहुत सारे हैं, बस खुश रहना सीख जाइए। और हाँ दोस्तों भूल ना जाना, मिलते हैं जल्दी अगली नई ट्रेन यात्रा में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और ध्यान रखिए अपने अपने परिवार का, अपने दोस्तों का। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी।